बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड में मौजूद हूँ वर्डप्रेस के। ठीक है, तो एक बहुत ही कीमती सेटिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ। सेटिंग में आप लोग जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है रीडिंग का। ठीक है, रीडिंग में आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कीमती ऑप्शन जो आप लोगों को आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसे यही होगा योर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, पहला है एस्टेटिक पेज सेलेक्ट बिलो। आपकी जो वेबसाइट बनेगी उसका जो मेन पेज होगा वो कौन सा होगा। ठीक है ना, एक तो बात याद रखें, जब एक थीम आप लोग परचेज करते हैं या फ्री में लगाते हैं, उस पर एक स्टेटिक पेज जो है ना होता है, जो वो ऑलरेडी बना बनाया होता है, जिस पे जो है ना हम लोग एडिटिंग करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट की से यही मुराद कि आप जो पोस्ट लगाएंगे सबसे पहले वही पोस्ट आएगी, तो इसी को जो है ना हम लोग मद्देनज़र रखते हुए स्टैटिक पेज जो है ना हमेशा सिलेक्ट रखेंगे, ना कि वही लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है ना, तो ये अगर हम लोगों की थीम ऐसी है कि वो खुद ब खुद होम पेज को बना रही है, तो हम लोग स्टैटिक पेज रखेंगे। अगर अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने लेटेस्ट पोस्ट लगानी है, आप लोगों ने थीम वो वाली नहीं लगानी, अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसी लगानी है, तो फिर आप लोग लेटेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। अगर स्टैटिक लगाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने जाके होम पेज इस तरह जो है ना क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है ना मैंने एक पेज जो है ना क्रिएट कर ले लें। पेज आप लोग यहाँ पे जाके ऑल एड न्यू, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कैसे। यहाँ पे आप लोग जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद एक जो है ना पेज स्टेट करेंगे, ये इंस्टॉल है। ठीक है ना, ये जो है ना हम लोगों का ठीक है एफिलिएट मार्केटिंग मैंने किया, इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद अब हम लोग चलेंगे दोबारा वापस अपनी पेज व्यू पेज, व्यू पेज करके दिखाते हैं, ये देखें। ठीक है ना, एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह होगा। दोबारा जो है ना मैं कस्टमाइज पे जाऊंगा, सॉरी, दोबारा वापस जो है ना हम लोग अपने ब्लॉग के इसमें डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद वहीं पर जो है ना स्टैटिक रीडिंग के ऑप्शन में दोबारा चले जाएंगे। दोबारा जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक पेज के अंदर ये एफिलिएट मार्केटिंग पेज जो है ना सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट 10 पेजेस हों, कितने हों तो आपकी मर्ज़ी है। आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है। उसके बाद सिंडिकेशन फीड्स शो मोस्ट रिसेंट, यानी दो रिसेंट जो आपके पोस्ट होंगे वो कितने शो होंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट हो, एक्सेप्ट टेक्स्ट हो, जैसे भी। सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर आप लोगों ने अभी से इसको चेक लगा देना है तो ये गूगल के सर्च इंजन में जाएगी, लिहाजा आप लोगों ने इसको अनचेक करके रखना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल न्यू वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग वेबसाइट को जो है ना बिल्ड करते हुए तो ये जो है ना अनचेक करके रखना है। बहुत ही मुफीद मालूमात जो आप लोगों को मैंने दी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, देन उसके बाद लास्ट में सेव चेंज ज़रूर जो है ना प्रेस कर देना। ये सेव और चेंज आप लोगों ने प्रेस कर दिया तो ये हमारी वेबसाइट माय ब्लॉग विज़िट करता हूँ तो यहाँ पे चले गए। यहाँ पे देखें, ये हमारी एडिट पोस्ट आ गई। ठीक है ना, तो यहीं पे हम लोग जो है ना माय ब्लॉग ये पोस्ट है, ये वाला पेज है, तो हम लोग जो है ना देख सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।